नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 मई के सुबह 11 बजे से जय दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 2 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जय दोस्तों ये 2 बड़े बदलाव आपके जीवन काल में चमत्कार की तरह होंगे, जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देने वाले होंगे। जय दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके ग्रहों में बहुत ही दुर्लभ शिवों का निर्माण होगा, जो कि आपकी भाग्य रेखा को बदलने वाले हैं। आपके जीवन काल में यश में आप यथासंभव खुशियों को प्राप्त करने वाले हैं। यश में आपको कई क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे, कई बड़ी खुशखबरियाँ यश में आपको मिलने वाली है। जय दोस्तों, जो भी कार्य आपके पिछले समय में रुके हैं या फिर जहाँ भी पेशी आपके अटके हुए हैं, यश में उन क्षेत्रों में आपको शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होंगी और वे कार्य आपके जल्द ही बनेंगे। आपके सारे रुके कार्यों में यश में गति आने वाली है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद ही यश में आपके जीवन में लाभ के नए मौके आपको प्राप्त होंगे। घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में यश में यथासंभव सुधार होंगे। आपकी जीवन में यश में यथासंभव ऐसे सुधार होंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसी में दोस्तों आपका दायित्व होता है कि इन सभी समयों का सदुपयोग करें। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे कि यश में अंतराल में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का स्मरण करेगा, गुरु जी का और भोलेनाथ का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसमें दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को भी इसमें दूर कर देगी। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद से आत्मिक शांति की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी रुचिपूर्ण कार्य को करने में समय व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको मानसिक तथा आत्मिक सुकून की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों अध्ययनरत विद्यार्थी आलस की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इस समय आपको इससे सावधान रहना है। संतान से संबंधित गतिविधियों में भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। और दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई उतना अच्छा आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए समय होंगे आपके हर निर्णय का परिणाम ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे किसी भी बात के बारे में बिल्कुल भी रिस्क ना लें, पैसे से संबंधित तनाव बना रहेगा, लेकिन दोस्तों किसी को जो है आपको मदद प्राप्त हो सकती है और ये जो आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन दोस्तों किसी की मदद आपको प्राप्त हो सकती है, मित्रों के साथ आपके प्रति गलतफहमी बढ़ने की वजह से आपको दुख भी हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि राजनीतिक तथा सामाजिक दायरा भी आपका यश में बढ़ेगा, पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में भी गति आएंगी। बस दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत अधिक उचित रहेगा, घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। शादी दोस्तों इसमें कुछ बुरी नीयत के लोग आपकी महानहानि और अपमान का कारण भी बनेंगे, इसलिए दोस्तों यश में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर ही रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट न कर दोस्तों पढ़ाई के प्रति ध्यान लगाएं, ये भविष्य के लिए आपके बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जो बातें आपके साथ गलत हो रही है दोस्तों उन बातों के खिलाफ आवाज़ उठाना आपको इसमें सीखना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यश में आप अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाकर रखने की वजह से ना आप परिस्थिति में बदलाव देख पा रहे हैं ना ही विचारों में सकारात्मकता, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की तरफ अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में बहुत ही व्यस्तम और फिर फायदेमंद दिनचर्या आपके लिए शामिल होंगे। दोस्तों अपने उद्देश्यों का पूरा ध्यान रखें, अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधी कार्यों में भी खुशनुमा समय व्यतीत होने वाले हैं। कोई पुराना झगड़ा दोबारा उभर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों इसमें बेहतर होगा कि पुरानी बीती बातें वर्तमान पर हावी ना होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें, आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान भी आपको देना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपने दायित्व के प्रभाव से जो लोग आपके खिलाफ हैं, दोस्तों आपको बता दें कि उनको भी आपके पक्ष में आप कर पाएंगे। वो दोस्तों अपने ज्ञान का और अनुभव का पूरा इस्तेमाल इसमें आप कर भी पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मार्गदर्शक बनने के लिए और दोस्तों यश में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी और इसके द्वारा आपको मदद आनंद देगी दोस्तों और सम्मान भी आपको इसमें प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चे आपके सामने तो आएंगे, परंतु इसके साथ ही दोस्तों आय के स्रोत भी बढ़ने से आपकी आर्थिक समस्या कम हो जाएगी। और दोस्तों किसी सम्मेलन या फिर समारोह में जाने हेतु आपको आमंत्रण भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान की शिक्षा अथवा करियर को लेकर कोई चिंता आपकी दूर होगी। उसके बाद दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक होंगे। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार में जो है सौम्यता अवश्य रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बार बार तकलीफों का सामना होने की वजह से आपके अंदर की जो सकारात्मक भावना है उनमें थोड़ी कमी हो रही है, जिससे दोस्तों आपको आगे बढ़ने में कमी हो रही है। साथ ही दोस्तों ऐसे में लोगों के प्रति विश्वास कम होने की वजह से खुद को आप थोड़ा अकेला महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मित्र परिवार से कोई आपकी मदद भी करना चाहता है, इसलिए दोस्तों जो लोग आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है उनको अपने व्यवहार से दूर ना ढकेले, ये आपके लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। उसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों इन्वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े जो भी लोग हैं कोबड़ा काम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में नई पार्टियां और नए लोगों के व्यवसायिक संबंध स्थापित करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए यश में मशीनरी और अपने टेक्निकल संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। सरकारी सेवा के व्यक्ति सावधान रहें, दोस्तों किसी उलझन में भी आप यश में पड़ सकते हैं। व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध आपको विकसित होंगे, परंतु उनके उचित परिणाम मिलने में कुछ समय भी लगेगा। घर के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए इसमें फायदेमंद होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में नौकरी में ऑफिस का माहौल भी उचित बना रहेगा। और दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में अगर कुछ नवीकरण या फिर विस्तार संबंधी योजना बन रही है तो दोस्तों उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यश में ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, परंतु दोस्तों निवेश संबंधी कार्य में आपको कोई फैसला लेने से पहले उस पर सोच विचार अवश्य करना चाहिए, ये आपके करियर के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वी की गलतियों पर आपको भी नजर रखना चाहिए। ये जो समय है आपके लिए व्यापार में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में भी आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भी समर्थ रहेंगे, जिससे दोस्तों आपके अंदर आत्मिक खुशी की भी प्राप्ति होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों यश में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद घर परिवार के लिए आपको समय निकालना पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। दोस्तों किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण भी व्याप्त होगा। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरे का जो है हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें, ये आपके परिवार के लिए आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वैवाहिक संबंध यश में मधुर रहेंगे, परंतु मित्रों के साथ अधिक मेलजोल रखना आपसी संबंधों में इसमें परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इनसे आप थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करें, ये भी आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे।
साथ ही दोस्तों घर का वातावरण में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा। घर परिवार में आशु सौहार्द तथा प्रेम बना रहेगा। विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रेम संबंधों में भी खटास आ सकते हैं, तो दोस्तों इनसे आप सावधान रहें। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी यश में रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में बदलते मौसम के कारण आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान व फिर कमजोरी आपको हावी हो सकती है। समय समय पर आराम भी करना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जिन लोगों को गैस या फिर एसिडिटी की समस्या है, वह यश में अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों ये सभी कार्य आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें।